ये भारत बैंस का घोड़ा है और ये 5428 नहीं है, मतलब ये आता तो 10 टायर का ही घोड़ा है पर ये है 5532, मतलब 320 हॉर्स पावर की पावर है इसके अंदर, 320 हॉर्स पावर की पावर, मतलब टाटा प्राइमा से भी ज़्यादा। अब बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, भैया भारत बैंस को क्या आया, क्यों लॉन्च कर दिया, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं और क्या सारा चीज़ें इसके अंदर अलग है। देखो पहली चीज़ जो आपको अलग लग रही होगी वो ये है कि देखो इसके नीचे जो आपको बम्पर दिखेगा ना, ये बम्पर आपको थोड़ा अलग दिखेगा और ये कलर अलग दिखेगा, मतलब ये जो है पूरा का पूरा इसका कलर डिफरेंट है, ये ग्रे कलर के अंदर आता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले, वो कीमत बता दूंगा, माइलेज बता दूंगा और गाड़ी के बारे में पूरा घूम के बता दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको मज़ा आएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों से शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और चलिए दोस्तों, ये है पूरा का पूरा भारत बैंस। सामने की तरफ जो शो आती है वो काफ़ी सुंदर लगती है। एक्चुअली भारत बैंस एक ऐसा ट्रक है ना जो पूरे भारत में सबको सुंदर ही लगता है, मतलब मैंने आज तक किसी से बुराई नहीं सुनी इसकी शो की, किसी को बुरा लगाओ। दूसरी बात देखो, ये वाइट कलर में भी आता है, तो कलर कोई और पेंट कराना हो तो आप आसानी से करा सकते हो, रैप कराना हो आसानी से करा सकते हो। ग्रैब हैंडल्स वगैरह, विंडशील्ड वगैरह बड़ी ऊँची लंबी आती है, काफ़ी सिंगल पीस में आती है, आसानी से आप देख सकते हो। और एक चीज़ इसके बारे में अच्छी ये है कि यहाँ से वाइपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये वाइट वाइपर्स होते हैं, इसके ऊपर ही आपको पानी आता है तो काफ़ी अच्छे से शीशे को साफ कर देते हैं। ऊपर की तरफ सनवाइजर देखने को मिलता है, साइड में साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर भी देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखोगे कि यहाँ पे जो कलर कॉन्ट्रास्ट इन्होंने यूज़ किया है वो अलग है, मतलब ये भारत बैंस का लोगो तो हो गया पर यहाँ नीचे आपने लगभग सफ़ेद बम्पर देखा होगा आपने अक्सर, पर यहाँ पे सफ़ेद बम्पर नहीं आता, यहाँ पे ये मेटल का ग्रे बम्पर आता है। कलर को कम्प्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया है, वो सफ़ेद बम्पर एक अलग लगता है। ये बम्पर देखने में सच बताऊँ तो हैवी लुक दे रहा है गाड़ी को, थोड़ा सा मस्कुलर लुक दे रहा है। सिर्फ कलर ने ये सारी चीज़ें कर दी है, सिर्फ बम्पर में कलर चेंज है और कोई चीज़ नहीं है। ये भी मेटल का पार्ट है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, मतलब सारा कुछ मेटल का आता है। अब सच बताऊँ तो एक 320 हॉर्स पावर की गाड़ी के लिए एक सिंगल हैलोजन हेडलैम्प छोटा लगता है, अच्छा लगता है, बट फिर भी ये ऊपर DRLs है, यहाँ पर इंडिकेटर है, ये आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिल जाएगा, ये फाइबर का पार्ट होता है भारत में, इसको सिंगल चैम्बर हेडलैम्प कहते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ फॉगलैम वगैरह चाहो तो लगवा लेना, ना की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5532 का ब्रांडिंग है, ये एयरो कॉर्नर्स है ताकि माइलेज वगैरह बढ़ा देंगे आपके, भाई अगर ज़्यादा स्पीड वगैरह में आपको चलाने की आदत है। अक्सर हम घोड़ों को देखा हुआ है ना कि टाइम वगैरह कवर करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम बढ़ाने के लिए हम 70-80 चलाते हैं, तो ये वो गाड़ी है जो भाई 70-80 आसानी से चल सकती है। ये आपको सारे के सारे हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और ये देखो आप कि यहाँ पे आपको 1020 के ही टायर्स देखने को मिलते हैं, 10 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है। अंदर आपको अगर कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी, वो आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, ये आपका सारा का सारा एंटी रोल बार। यहाँ आप देखोगे तो ये आपको ब्रेक चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ब्रेक चैम्बर्स होते हैं। ये पूरा भारत बैंस का 60 टन वाला एक्सल होता है, पीछे की तरफ OM926 इंजन लगा हुआ है जिसमें 320 हॉर्स पावर की पावर निकलती है 2200 RPM के ऊपर और 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है दोस्तों, 1200 से लेकर 1600 RPM तक, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ताकत, इतनी ताकत भारत में और गाड़ियों में नहीं आती है। अच्छा, ये स्लीपर केबिन है तो पीछे की तरफ स्लीपर विंडो आपको दिख जाएगी, ये पावर विंडो आती है, ड्राइवर साइड वाली विंडो है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो ये भारत बैंस का SCR सिस्टम के लिए लगा हुआ है, मतलब ये आपका ईट्स है, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसके अंदर SOC, DOC, SCR, यूरिया जलता है। सीधी सीधी बात ये एक तरीके से गाड़ी का साइलेंसर होता है, रीजनरेशन जब होता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके आसपास नहीं आना चाहिए, हाथ वाथ तो इसमें बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। यहाँ से घूम के इन्होंने बाईपास यहाँ पे साइलेंसर करा हुआ है, ये सारी चीज़ें। देखो भारत बैंस का जैसा हमने वो देखा था वही सारे एग्रीगेट्स इन्होंने पीछे यूज़ करे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग हो या बहुत यूनिक हो। जैसे अगर आपने देखा हो कि 5428 में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि यहाँ पे 22.5 का लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपको भारत बैंस का जो रिजिड एक्सल आता था हब रिडक्शन वाला, वही सेम एक्सल यूज़ करते हैं ये लोग, यहाँ भी सेम एक्सल यूज़ करते हैं। और अच्छी बात ये कि जो घोड़ा आता है वो 6x4 आता है। अब 6x4 का मतलब ये पीछे वाले जितने भी आपको दोनों एक्सल दिख रहे हैं, दोनों एक्सल चलते हैं, दोनों लाइव एक्सल हैं, कोई भी इनमें डैमो एक्सल नहीं है। और ये भारत बैंस ही देता है, ज़्यादातर आपको मडगार्ड वगैरह देखने नहीं मिलेंगे, नॉर्मली लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं, पर भारत बैंस एक ऐसी कंपनी सोचती है कि भाई मट्टी वट्टी कहाँ लेके जानी, तो ये भारत बैंस देता है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। LED लाइट्स इनकी हर गाड़ी में वही आती हैं, खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं एक्चुअली, यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें। पीछे आप देखो बैलेंसर टाइप आपको दिख जाएगा क्योंकि बोगी सस्पेंशन आता है, फ्लैट बोगी सस्पेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो बैलेंसर रॉड्स वगैरह देखने को मिलती है। पीछे देखो एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेस वगैरह जो दिखती है उसमें हम यहाँ पे देखो तो एयर चैम्बर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी आपको डिफरेंशियल दिखेगा, यहाँ पे भी प्रोपेलर शाफ्ट आ रखी है, तो बीच में जो प्रोपेलर शाफ्ट आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो इससे क्या होता है कि यह पावर जब चाहो तो इसको लाइव कर लो, जब चाहो तो आप एक्सल को ऑफ कर लो, फुल टाइम भी लाइव नहीं होता है ये। अब एक चीज़ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जब हम फिफ्थ व्हील कपलिंग करते हैं जिसमें जोस्ट की फिफ्थ व्हील आती है,
जाती है। अगर हम जब फिफ्थ व्हील पे कपल करने की कोशिश करते हैं ट्रेलर को, तो ट्रेलर कई बार यहाँ टच हो जाता है, तो इंजन ऐसे डैमेज ना हो इसलिए इन्होंने ऊपर की तरफ ये लगाया हुआ है, ताकि यहाँ से क्या होता है कि ट्रेलर फंसाते में कई बार ड्राइवर उतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं लगा पाता, तो ये फिफ्थ व्हील काफ़ी बढ़िया एक मतलब बचा रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। चैसी जो है ना आपकी वो रगड़ी नहीं खाती, तो चैसी बिल्कुल टोटली सेफ रहती, नहीं तो पता चला चैसी आपकी अलाइन खराब हो गई। और रिविटिंग से इन्होंने पूरे क्रॉस मेंबर्स को अलाइन किया हुआ है, वो एक पार्ट देखेगा। दोनों एक्सल्स जो है सेम है, यहाँ पे देखो आप इनको, ये फ्लैट बोगी सस्पेंशन इनके आते हैं, और ये सारी चीज़ें इन्होंने इन दोनों मडगार्ड्स को कैरी करने के लिए किया हुआ है, कि ये जो मड नहीं आने देंगे भाई उसके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। हालांकि ये जो है वो फाइबर का पार्ट है। अब देखो ये भारत बेंज का नया डीजल टैंक है, ये लगभग 400 लीटर के ही आसपास का होगा, और ये भारत बेंज में मैं पहली बार देख रहा हूँ ये 400 लीटर से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी। एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी वो मुझे भी नहीं बताई है अभी लोगों ने, तो मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी ये जो है वो है, यहाँ पे टेलीमेटिक्स आते हैं, मतलब जो ट्रक कनेक्ट आता है इनका भारत बेंज का, वो ट्रक कनेक्ट यहाँ से काम करेगा, कि डीजल सेंसर वगैरह, डीजल सेंसर कैलिब्रेशन होगा, ट्रक में स्टेपनी वगैरह यहाँ से प्लेस की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और चैसी का जो है वो चैसी भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मोटी है, 284 mm की मोटाई में चैसी जो आती है। और पीछे से अगर हम केबिन देखने की कोशिश करें, तो यहाँ से आपको एयर इनटेक भी थोड़ा सा घूम के दिखता है। अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती इनका, कि भाई जो यूरिया का टैंक लगा होता है वो कंडक्टर साइड लगा होता है, ये टैंक भी जो है वो कंडक्टर साइड ही लगाते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें ड्राइवर साइड आनी चाहिए, वो नहीं आती हैं। चलो ठीक है, एक बात मान लिया, ऐसी हर सिस्टम उस तरफ लाते हैं। अगर इन चीज़ों को पलटी कर दे कि भाई ये डीजल टैंक आप उधर लेके जाओ, यूरिया उधर ले जाओ, ऐसी इधर ले आओ, तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आदमी को, बहुत जीवन सवर जाएगा एक ट्रकर का। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी है 12-12 वोल्ट, दोनों जो है 24 वोल्ट बनाती है, 150 एम्पियर आर पे करंट इनमें जाता है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग बॉक्स वगैरह देखा जाएगा, रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह देखेंगे। अंदर की तरफ आपको OM 926 वही वाला इंजन देखेगा भारत बेंज का, बट ज़्यादा पावर के साथ में, वो एक चीज़ आती है। फ्रंट का टायर भी आपको 295/90 का ही मिलेगा। अब हम जो है वो आपको अंदर से केबिन दिखा देते हैं, कि भाई केबिन में भारत बेंज में क्या कुछ और नया आता है, फिर हम वीडियो को कंक्लूड कर लेंगे। दोस्तों 55 टन का घोड़ा है, तो 55 टन के हिसाब से जो सोचो कि पावर भी दे रखी 320 horsepower की, तो केबिन भी उस हिसाब से दे रखा है। ये बेसिक केबिन है, इसमें दो केबिन आते हैं, एक लग्जरी केबिन आता है, एक बेसिक केबिन आता है। तो लग्जरी वाले केबिन में आपको पावर विंडोज आ जाएंगी, एसी आ जाता है उसके अंदर, और सेंट्रल लॉकिंग वगैरह कुछ चीज़ें जाती हैं। ये वाला आपको बेसिक केबिन दिखा रहे हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारे भारत बेंज के और वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रीमियम केबिन दिखा रखा है, आप वो वाला भी देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट में। अब देखो ये इनका स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे टिल्ट टेलीस्कोपिक आता, तो ये फंक्शन ऐसा नहीं बेसिक वाले में, कुछ चीज़ें ऐसी भारत बेंज जो किसी भी कोई भी ट्रक गाड़ी ले लो उनकी उसमें आता है, ये आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो लाइट्स वगैरह यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं, वाइपर वगैरह यहीं से हो जाते हैं, हॉर्न वगैरह यहाँ से बजता है, यहाँ से भी बजा सकते हो। इस तरफ इसमें कुछ नहीं आता लाइट वगैरह के कंट्रोल, पास वगैरह देने के लिए, इंडिकेटर देने के लिए कुछ नहीं आता, इधर से ही आता जो आता है। इस स्क्रीन का आपको अलग से एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, 4-5 lakh लोगों ने देखा है, वो वहाँ से जाके देख लेना कि उसमें क्या सारे फंक्शन है, कितना डीजल बचा कैसे दिखाती, वो दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखो ये आपको जो इस स्क्रीन में अंदर बाहर जाने के लिए बटन्स दिखते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिफरेंशियल लॉक लगाने के लिए, मतलब जो पीछे वाला एक्सल है ना उसमें डिफरेंशियल लॉक, जब गाड़ी स्लिप वगैरह करती है, फंस वगैरह जाती है, बैक वगैरह होते हैं या सीधे जाते हैं, तो आप ये डिफरेंशियल लॉक लगा सकते हो। ये सारा पार्ट है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है, मतलब अगर आप बेसिक मॉडल भी लोगे तो क्रूज कंट्रोल आपको तब भी आएगा, तो क्रूज कंट्रोल के बजट बटन्स यहाँ दे रखे ताकि गाड़ी अच्छा एक माइलेज है। भारत बेंज क्रूज कंट्रोल माइलेज के हिसाब से भी ज़्यादा देती है। ये आपको सिर्फ ब्लोअर आते हैं, क्योंकि नॉर्म्स है भाई, सरकारी नॉर्म है, बिना ब्लोअर के गाड़ी नहीं भेज सकते भारत में, तो इसलिए ब्लोअर आते हैं, 4 speed के ब्लोअर हैं। एसी वाली गाड़ी में यहाँ पे आपको एसी के नॉब्स वगैरह आ जाते हैं, वो चीज़ है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलता है, और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिलता है। ये आपको 12 volt का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, कि यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, यहाँ से आप USB बेस्ड कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट केबल लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, बाकी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हो। बाकी देखो फ्लोर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरी गद्दी बनवानी है आपको एक उसके हिसाब से, तो वो भी बनवा लेना, इस सीट पे भी बीच में थोड़ी सी गद्दी बना के सो सकते हो। ये सीट कंप्लीटली एडजस्टेबल रहती है बेस्ड ऑन द एयर प्रेशर, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब देखो ये जितना आपको जितनी हाइट रखनी है इसको हाइट के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सीट की, और इसके अलावा ये बैक भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, भारत बेंज में जो एक और ऊपर वाला मॉडल आता है उसमें भारत बेंज की बड़ी वाली सीट आती है, चौड़ी सीट आती है, इसमें भारत बेंज की थोड़ी छोटी सीट आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ अंतर छोटे छोटे होते हैं, ये पीछे की आपको गद्दी मिलती है 18 inch वाली, पीछे 2 शीशे मिल जाते हैं, अच्छा लगेगा, मतलब कई बार आपको पीछे देखने के हिसाब से तो अच्छा लगेगा, बट इस पर पर्दा वगैरह डाल लेना, जगह मिलती है। बाकी भारत बेंज बीच में भी यहाँ पे पर्दा लगा के देता है, हुक्स वगैरह लगा के देता है, सारी चीज़ें तो हैं। अब हैंड ब्रेक अजीब सी जगह, कुछ मॉडल्स में यहाँ प्लेस किया जाता है, पर इस वाले मॉडल में यहाँ बीच में प्लेस किया गया, जो कि एक अजीब सी जगह है, जबरन में ये दे दिया ताकि गद्दी वद्दी बनवाओगे तो बीच में इसको खोलना पड़ेगा। 9 speed का भारत बेंज का ये गियर बॉक्स है जो आपको मिलता है, मतलब ये गियर लेवर है, गियर बॉक्स तो पीछे होता है क्लच के पीछे, 430 mm डायमीटर वाला इसमें क्लच लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में, बट एक चीज़ अच्छी देती है भारत बेंज की, बेसिक वाले केबिन में म्यूजिक सिस्टम दे देती है, और ये देखो म्यूजिक सिस्टम देती है, और ये GPS के हिसाब से लगा हुआ है, मतलब जो भी गाड़ी आएंगी ना वो GPS लगाएगा, तो इसमें GPS स्टीयरिंग के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे ना लगा के यहीं लगा दिया, यहीं से पूरा GPS जो है उसका रिकॉर्ड होता है, और ये म्यूजिक सिस्टम के लिए चीज़ें। और भारत बेंज ने यहाँ पे लाइट्स दे रखी है कि भाई अगर कंडक्टर को नहीं जलानी है बीच में, उसको उजाला नहीं पसंद, तो आप अपनी जला लो,
उसको अपनी चलानी तो अपनी चला लेगा। तो बस ये सारी चीज़ें मैं आपको गाड़ी की कीमत माइलेज और बता देता हूँ। तो चलिए गाड़ी का हम वीडियो कंक्लूड कर लेते हैं। दोस्तों भारत में ना जैसे इन्होंने 320 हॉर्स पावर का जो लॉन्च कर दिया है एक, वो बहुत अच्छी सोच है क्योंकि वो एक सेगमेंट खाली था कि हमें किसी को ज़्यादा एचपी चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, बहुत हैवी काम करना है, तो वो हो नहीं पा रहा था। अब वो यहाँ से हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। माइलेज वो सेम इंजन ही यूज़ किया हुआ है, उसी को रीमैप किया हुआ है, तो आप समझ लो कि 2 के आसपास का माइलेज फुल लोड में आ जाना चाहिए, 2.25 का माइलेज आना चाहिए फुल लोड में, फुल खींच के चलाओ। खाली गाड़ी तो भैया 3.5 के आसपास माइलेज देगी इनकी, क्योंकि बहुत अच्छे से इनका यूनिटाइज्ड पंप्स आते हैं इसमें। मतलब एक आध पंप कॉमन रेल पंप पर नहीं चलता इंजन, यूनिटाइज पंप पर चलता है। भारत में सिर्फ ये एक इंजन है जो यूनिटाइज पंप पर चला रहे हैं ये लोग, बाकी कोई और नहीं चलाता इसको यूनिटाइज पंप पर। तो बस ये सारी बातें हैं गाड़ी की। अगर घोड़े की कीमत की दोस्तों मैं बात करूँ तो लगभग 52 लाख रुपये के आसपास गाड़ी घोड़े की कीमत होती है। डिस्काउंट वगैरह लगवा लेना अब वो लग जाएंगे। आपको एक नंबर देता हूँ भारत में इसका टोल फ्री, अगर इच्छा हो रही हो खरीदने की या बात करने की कुछ इस गाड़ी के बारे में तो वो आप फोन लगा लो आप। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षा चलिए, इंश्योरेंस सबसे पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में जो मत जगह। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।